शिव महापुराण की कथा में, अग्नि पुराण की कथा में और विष्णु पुराण में, तीनों में कहा है एक जैसी बात। दिवाली के दिन, दीपावली के दिन कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए केवल एक काम करिए, केवल एक काम। महाराज, दीपावली की रात्रि को ठीक 11:30 से 12:30 के बीच में, मध्य बिंदु रात्रि को, पीपल अगर पास में हो तो पीपल, आंवला पास में हो तो आंवला, बेलपत्र पास में हो तो बेलपत्र, इन तीन वृक्ष जो आपके पास में हो, जो नजदीक में हो, लगाना एक ही के नीचे है, ये नहीं कि तुम तीनों के पास पहुंच जाओ, लगाना एक ही वृक्ष के नीचे तीन दीप अलग अलग, एक लक्ष्मी के लिए, गणेश जी के लिए, सरस्वती के लिए, तीन दीप घी के, एक फूल बत्ती का, दो लंबी बत्ती का, फूल बत्ती मतलब गोल बत्ती का, और दो दिए लंबी बत्ती के, घी के भरे हुए दिए, खाली नहीं, पूरा भरा हुआ दिया, उसमें एक एक कमलगट्टा, कमलगट्टा जो हवन में चढ़ता है, किराने की दुकान पे मिलता है काले कलर का कमलगट्टा। महाराज, उस दिए के अंदर रखकर सबसे पहले गोल बत्ती वाला दिया हाथ में रखी हथेली पर जलाकर, और अपने स्मरण करो लक्ष्मी का, कुल देवी देवता का स्मरण करिए, अपने पूर्वजों का स्मरण करिए, कर्जा मुक्ति का भगवान से विनती करिए, और बाबा कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर फूल बत्ती गोल बत्ती का दिया पेड़ के नीचे रख दीजिए। दूसरा दिया जला हुआ उठाइए, उसकी बत्ती अपनी ओर हो, उसको उठाकर फिर अपने कुल देवी देवता का स्मरण करिए, पूर्वजों का स्मरण करिए, जिस भाव से दिया लगाने आए हो वो भाव को व्यक्त करिए, और दिए की बत्ती पेड़ की साइड कर कर रख दीजिए। तीसरा दिया उठाइए, अपने मन की कामना कर कर जिसका कर्जा चुकाना है, व्यापार वृद्धि के लिए, संपदा के लिए विनय करिए, और उस दिए को जब उठाओ तो उसका मुख उधर का होना चाहिए, बोलते समय, स्मरण करते समय, जब नीचे रखोगे तब दिए का मुख अपनी ओर होना चाहिए। झोली पसार कर वृक्ष के नीचे प्रणाम करिए, नमन करिए, और झोली को वापस अपनी ओर गिरा लीजिए, घर चले जाइए, पलट कर मत देखिए, सीधे घर प्रवेश करो, और घर में जाकर अपने लक्ष्मी की जो पूजन करी है वहां प्रणाम कर लो साहब। एक रुपया पूजन वाली जगह पर जहां लक्ष्मी की पूजन करी थी वहां एक रुपया कोई रखा हो, कोई चांदी का सिक्का रखा हो, उसको उसी समय अलमारी में या तिजोरी में पटक दीजिए। जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती, कितना भी कर्जा होगा, माता लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती, भगवान कुबेरेश्वर महादेव साल भर के अंदर ऐसा व्यापार खींचेंगे कि तेरा कर्जा चुक जाएगा, दूसरी बार तुझे पर कर्जा होगा ही नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।